हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9, और आज बच्चों की छुट्टी है, उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो बीच बीच में गैपिंग देते हैं प्रिपरेशन करने के लिए। तो इस वजह से बच्चे घर पे हैं, तो मैंने सोचा चलो अब मैं चिप्स भी अपना आज बना लेती हूँ, क्योंकि होली आ रही है तो थोड़ी बहुत तो तैयारी करनी बनती ही है। तो यहाँ मैंने आलू छील के उसको काट करके यहाँ रख दिया है भगोने में, पानी में करके, और थोड़ा सा क्या मतलब, थोड़ा गर्म हो जाएगा जब इसमें से भाप खूब निकलने लगेगी, उसके बाद से मैं इसको छान लूँगी। और यहाँ देखिए मैंने फिर दूसरा आलू ले लिया है। तो पहले मैं 2.5 kg आलू का मैंने चिप्स काट के भगोने में चढ़ा दिया, और ये 2.5 kg दोबारा से मैंने छील लिया है, इसको अच्छे से धो लिया है, और इसका भी मैं अब चिप्स काटूंगी। तो यहाँ वापस से धो के मैं फिर से दोबारा पानी में डाल रही हूँ। तो यहाँ 2 बार मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है, और अब मैं इसको पानी में डाल दिया है, और इस तरह से चिप्स काटने वाला है मेरे पास। तो इस तरीके से मैं चिप्स काटती हूँ, और बहुत ही अच्छा कटता है फ्रेंड्स, इससे बहुत ही फाइन है इसका चिप्स बन रहा है। ये देखिए, आप लोग देख ही सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है चिप्स। तो उस तरह से मैं काट करके सारे चिप्स को फिर दोबारा से मैं पानी में डाल दूंगी, अदरवाइज़ ये चिप्स काले पड़ने लगेंगे। और जो मैंने भगोने में चिप्स चढ़ाया है उसको फिर मैं निकाल के उसको ठंडे पानी से मैं धुल लेती हूँ, ताकि इस तरह से करेंगे अगर आप गर्म पानी से निकाल करके, मैंने गर्म पानी में भगोने में नमक भी डाला था, 2 चम्मच के करीब मैंने नमक डाला था, और बस उसमें से अच्छे से जब भाप निकलने लगी थी फिर मैंने गैस ऑफ कर दिया था, और चिप्स को निकाल करके, थोड़े थोड़े चिप्स निकाल करके, और उसको मैंने ठंडे पानी में वॉश कर लिया था, ताकि ये हमारे चिप्स जो है काले ना पड़े। यहाँ पे देखिए तो यहाँ ये चिप्स को इस तरह से टैप के पानी में मैंने निकाल लिया है, और टैप खोल करके उसको अच्छे से धुल लिया है, और ये सारे चिप्स धुले हुए चिप्स हैं ठंडे पानी से। और फिर मैं इसको ऊपर जाके फैला दूँगी शीट पे, और यहाँ मैंने उसी पानी में, जिस पानी में मैंने बॉयल किया है, उसी पानी में मैं दोबारा से सारे चिप्स डाल दूँगी, क्योंकि ये पानी गर्म था पहले से, और दोबारा मैं नया पानी लेती तो आधा टाइम तो उसको गर्म होने में लग जाता। बस इसको मैं रख दूँगी, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस इसमें भी उसी तरीके से भाप अच्छे से आने लगेगी, उसके बाद से मैं बंद कर दूँगी। और यहाँ मैं ले आई हूँ सारे चिप्स को ऊपर। तो ये एक बैनर है जो शीट बिछा के मैंने रखा है, वो एक बैनर है पोस्टर, तो उस पर बहुत ही अच्छे से सूखते हैं चिप्स, ज़रा भी चिपकता नहीं है। तो यहाँ मैंने रख दिया है, दोनों तरफ से मैंने पत्थर रख दिए हैं ताकि उड़े ना चिप्स, और धीरे धीरे मैं एक एक करके चिप्स फैला दूँगी। और धूप काफ़ी तेज़ हो गई थी, और अभी बज रहे हैं सुबह के 10, और इतनी तेज़ धूप थी कि बिल्कुल सहा नहीं जा रहा था, तो फिर भी जोश चढ़ा है चिप्स बनाने का, तो धूप उतनी पता नहीं चल रही है। तो यहाँ मेरा बेटा भी आ गया है मेरी हेल्प करने के लिए, और इसी तरीके से पूरा शीट जो भर गया था ये पूरे चिप्स से, और मुझे अलग से दोबारा एक और शीट लानी पड़ी थी, तो वहाँ भी मतलब मैंने डाल दिया था। और 5 किलो आलू का चिप्स बन गया है, और अब मैं चिप्स बनाने के बाद फिर उसके बाद से मैं आ गई हूँ नीचे अपना कमरा सही करने के लिए। तो अब मेड भी मेरी आ गई है, तो अब मैं अपना चादर वगैरह सब कुछ सही कर लूँगी, क्योंकि काफ़ी देर हो गया था और आधा टाइम तो मेरा लग गया चिप्स बनाने में। तो आज बच्चे घर पे थे तो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ, थोड़ी बहुत वो हेल्प करा दिए थे, और अगर अकेले करना होता तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती। Thank you.
फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ अब दूसरे रूम में और यहाँ अलमीरा से मैंने अपनी सारी कुर्तियाँ निकाली थी कल, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने अपना कुर्ती कलेक्शन दिखाया है और कुर्ती कलेक्शन फॉर समर। तो प्लीज़ आप लोग देखिएगा ज़रूर और आई होप आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा वो वीडियो। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चेक ज़रूर करिएगा। तो उसका लिंक आप लोगों को मैं इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर डाल दूँगी, जिससे आप लोगों को उसको देखने में काफ़ी आसानी होगी। तो सारी कुर्तियाँ फिर मैं वापस से फिर इसमें रख रही हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है मुझे, क्योंकि सारी कुर्तियों को मैंने खोल खोल के दिखाया है और उसको फिर से वापस फोल्ड करके रखा है। तो अभी टाइम हो रहा है शाम के 8 और पूरा दिन जो है मेरा ऐसे ही चला गया। और तो आज जैसा मैंने दिखाया सुबह आप लोगों को कि चिप्स बनाना था, तो सुबह से काफ़ी ज़्यादा मैं बिज़ी थी और चिप्स उप्स बनाए, क्योंकि होली भी आ रही है। तो ऐसे तो मैंने 2 साल हो गए मैंने चिप्स नहीं बनाया, तो इस बार तो बड़ा शौक चढ़ा था कि चलो मैं आज चिप्स बना लेती हूँ। तो इसीलिए मैंने तो 5 किलो आलू का मैंने चिप्स बनाया है और फिर मैं अभी 5 किलो आलू लेके आई हूँ, उसका भी मैं चिप्स बनाऊँगी। और पापड़ भी मैं सोच रही थी बनाने के लिए, लेकिन देखो आज का वेदर अभी इस टाइम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया है। तो देखती हूँ कल का जैसा वेदर रहता है उसी हिसाब से फिर मैं करती हूँ, क्योंकि अगर वेदर सही नहीं रहेगा, मौसम सही नहीं रहेगा, बारिश या बदली रहेगी, तो फिर मैं नहीं बनाऊँगी, क्योंकि सूखेंगे ही नहीं चिप्स तो फिर बनाने का कोई मतलब ही नहीं है, पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी। नेक्स्ट ईयर तो मैं बिल्कुल नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मन नहीं करता है। पता नहीं कैसे लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी आ जाती है कि वो हर साल बनाते रहते हैं बनाते रहते हैं, बस मैं इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है, क्योंकि एक तो यहाँ पे सुखाने की जगह नहीं है, 4थी मंजिल पे मैं जाती हूँ फिर उसको धूप में डालती हूँ, तो बहुत ज़्यादा मेहनत जो है मेरा, बीच बीच में रेगुलर नहीं हो पाती हूँ, व्लॉग नहीं हो पा रहा है मेरा, क्योंकि इस समय बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो इस वजह से नहीं हो पा रहा है कंटिन्यू। कम से कम 4 या 5 दिन के बाद जो है मैं व्लॉग बनाया है, मैंने सोचती हूँ रेगुलर होने के लिए, बट यही सब रहता है घर में, और भी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ जो हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगने लगती हैं, इस वजह से जो है व्लॉगिंग छूट जाती है कहीं ना कहीं। लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपना जो मैंने ये काम ये जिम्मेदारी जो मैंने उठाई है उसको अच्छे से निभा सकूँ और आप लोगों के लिए अच्छी वीडियो ला सकूँ। तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर आप लोगों को मेरा ये छोटा सा व्लॉग कैसा लगा है। अगर ज़रा भी अच्छा लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिस आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और व्यूज़ का पता नहीं क्यों मन भी नहीं करता है, व्यूज़ भी इतने ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, तो इस वजह से कभी कहीं ना कहीं डीमोटिवेट मैं हो जाती हूँ कि मतलब इतनी मेहनत करो और उसके बाद से व्यूज़ उस हिसाब से नहीं मिल रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं हिम्मत नहीं हार रही हूँ, मुझे चलो ये मैंने कोई मेरा वो नहीं है यूट्यूब पे कि मैं बस इसी के लिए ही आई हुई हूँ, बस मैं एक अपना एक पार्ट टाइम जो है, हाँ कि मैं कुछ कर रही हूँ अपने लिए, अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ, इस वजह से मैं उतना ज़्यादा डीमोटिवेट नहीं होती हूँ कि हाँ या मुझे यूट्यूब से ही मेरा खर्चा चलना है या वो चलना है। चलो मैं अपना 1 साल का क्राइटेरिया लेके आई हूँ, होगा जो होगा देखा जाएगा, और अपने तरफ से कोशिश कर रही हूँ, देखती हैं मेहनत क्या रंग लाती है। वैसे जहाँ तक मुझे पता है, मैं सुनती आई हूँ कि मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है, इस वजह से अपनी तरफ से मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपना 100% दूँ और देखते हैं क्या होता है। और वैसे ही आप लोगों को अगर कोई भी दिक्कत लगती है मेरे व्लॉग में, कोई भी कमी दिखाई देती है, प्लीज़ तो बताइएगा ज़रूर, मुझे सजेस्ट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप लोगों का सजेशन मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स। और वीडियो अगर अच्छी लग जाती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए बस यहीं एंड करती हूँ, अदरवाइज़ आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल फ्रेंड्स।